नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान बुक में यूनिट संख्या 5 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 21 राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों के बारे में, जिसका टॉपिक है राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग का महत्व है और उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं और लघु व कुटीर उद्योग की समस्याओं का समाधान हेतु कौन कौन से सुझाव हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग की भूमिका और सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आज इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग के कौन कौन से महत्व हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। लघु उद्योग वे उद्योग हैं जिसमें ऐसी औद्योगिक इकाई से माना जाता है जिसमें स्थायी संपत्ति के रूप में प्लांट एवं मशीनरी में 31/3/2001 को। ₹100,00,000 या ₹1,00,00,000 रुपये की राशि क्या हो, निवेश हो, इन्वेस्टमेंट की गई, वो लघु उद्योग कहलाता है। कुटीर उद्योग क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग वो कहलाते हैं जो एक ही परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे व्यवसाय, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना, जिसमें उद्योगों की श्रेणी में उसको शामिल किया जाता है, इसमें परिवार के सदस्य मिलकर इस उद्योग की स्थापना करते हैं, वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखें, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आपने देखा है इन उद्योगों की जब स्थापना करते हैं तो लोगों को एक जीविकापार्जन, एक रोजगार का साधन उपलब्ध होता है। पूंजी, विदेशी पूंजी का आवागमन, इसमें विदेशी पूंजी मतलब पूंजी अर्जित होती है, क्योंकि हाथ से कलाकारी से जो बनाई गई वस्तु जब हम उसको सेल आउट करते हैं तो विदेशी व्यक्ति हैं उनको उस वस्तु को क्रय करते हैं, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे हम राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग के महत्व की, कौन कौन सा महत्व। एक तो सर्व इम्पोर्टेंट जो महत्व की हम बात करें राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों को, एक तो रोजगार का मुख्य आधार, लोगों को रोजगार का मुख्य आधार मिलता है। एक तो इसकी यही इम्पोर्टेंस है कि लोगों को रोजगार मिलता है, तो रोजगार का मुख्य आधार इसका मुख्य बिंदु है। दूसरी हम बात करें, कम से कम पूंजी विनियोजित इसमें करके लाभ कमाया जा सकता है। कम से कम पूंजी का विनियोजन, कम से कम पूंजी का क्या किया जाता है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे इन उद्योगों में कम से कम पूंजी विनियोजित कर अधिक उत्पादन व रोजगार प्रदान किया जा सकता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। तीसरा है, ये उद्योग केंद्रीकरण को कम करके आय व धन के वितरण को समान करने में सहायक होते हैं। केंद्रीकरण को कम किया जाएगा, आय या धन का समान वितरण, आय धन का इसमें क्या होगा, समान वितरण होगा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस इसकी मानी जाती है। तो इस प्रकार इन उद्योगों में एक अर्थव्यवस्था के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। एक अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में इम्पोर्टेंस महत्व है। किस प्रकार से, जैसे किसी वस्तु का जब प्रोडक्शन होता है तो उसका मार्केट में उस वस्तु को सेल आउट करते हैं, तो
पूंजी का क्या होता है, आदान प्रदान होता है या पूंजी मिलती है, तो इसमें अपने गांव की अर्थव्यवस्था या फिर अपने बात करें कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की एक सुदृढ़ व्यवस्था अपने सामने होती है, तो ये भी एक अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक है, इससे उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता मिलती है, इससे उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता मिलती है, उद्योगों के विकेंद्रीकरण में इनकी अहम भूमिका होती है। और भी हम बात करें, एक लघु उद्योगों के बड़े उद्योगों की समस्याओं से मुक्ति मिलती है, बड़े उद्योगों के समस्याओं से मुक्ति, क्योंकि जब छोटा उद्योग होता है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो जाएगा, तो बड़े उद्योग हमें नहीं खोलने होते हैं, तो उनसे भी समस्याओं से क्या होगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस में सम्मिलित है। एक हम बात करें, इनके द्वारा उत्पादित माल का निर्यात जब करेंगे तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, क्या मिलेगी हमें, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, तो ये भी इस उद्योग में शामिल है। तो इस प्रकार से हम बात करें कि इसमें थोड़ी सी पूंजी लगा करके क्या किया जा सकता है, उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जिससे वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाकर मुद्रा प्रसार पर भी क्या किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। तो एक इसका एक महत्व है कि मुद्रा प्रसार पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये भी एक ही क्या है, इसकी एक महत्व में शामिल है। और भी हम इसके महत्व की बात करें, स्थानीय संसाधनों का उपयोग सहायक होगा, इसमें स्थानीय जो संसाधन है, स्थानीय संसाधनों में सहायक भूमिका का क्या होगा, निर्वहन होगा, स्थानीय जो सहायक संसाधन है उसमें एक अहम भूमिका का निर्वहन इसमें होता है। इसमें कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करके स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन किया जाएगा, जो स्थानीय प्रोत्साहन उनको किया जाए, ये तो इसकी क्या होगी, लघु व कुटीर उद्योगों के महत्व के बारे में चर्चा होगी, जो कि एक देश की अर्थव्यवस्था या राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्यतया अहम भूमिका का निर्वहन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान में लघु कुटीर उद्योगों के महत्व के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे इसी क्रम में कि लघु व कुटीर उद्योगों की कौन कौन सी समस्याएँ हैं और उनके समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर उद्योगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अगर अपन समाधान कर दें, उन जो भी समस्याएं आती हैं वो अपने क्या हो जाएंगे, सुझाव हो जाएंगे। तो हम राजस्थान में जो स्मॉल इंडस्ट्री या फिर कुटीर उद्योग हैं, उनकी कौन कौन सी समस्याएं अपने सामने उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली समस्या तो अपन राजस्थान में लघु कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रथम है कच्चे माल की समस्या, पहली समस्या तो रॉ मटेरियल की समस्या आती है, क्योंकि जब उद्योगों की जब स्थापना होती है तो कच्चे माल की समस्याएं अपने सामने अग्रणी रहे, तो एक तो कच्चे माल की समस्या रहती है, तो अगर इसका समाधान देखें तो कच्चे माल की समस्याएं जो होती, उनको कच्चे माल की आपूर्ति अगर कर दें तो वो उसका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। दूसरी समस्या आती है उत्पादन की पुरानी तकनीक, उत्पादन की कौन सी तकनीक है, उत्पादन की हमारे पास पुरानी तकनीक विद्यमान है, जिसकी वजह से उद्योगों में काफ़ी समस्या है, क्योंकि पुराने या ग्रामीण परिवेश में जो टेक्निक्स काम में लगते हैं वो पुरानी टेक्निक्स का काम में लिया जाता है, जिसमें जिसके कारण माल की किस्म न केवल घटिया होती है बल्कि कीमत भी उसकी ऊँची होती है। तो इस प्रकार से हम बात करें, यह तो कच्चे माल की समस्या होगी। लघु उद्योगों में जो पुरानी तकनीक है, तो पुरानी मशीनें अगर हम काम में लेंगे तो जिसके कारण माल की किस्म में न तो सुधार होगा और न और कुछ, तो इसलिए उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। दूसरी हम बात करें बिक्री की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है,
क्योंकि लघु व कुटीर उद्योगों के द्वारा उत्पादित माल अधिक लागत व घटिया किस्म की उत्पादन होने के कारण इसमें माल बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के सामने बाजार में बिक नहीं पाता है, जिसके कारण बिक्री की समस्या अपने सामने बनी रहती है। दूसरा, पूंजी का अभाव। टेकअप कैपिटल, पूंजी का अभाव भी एक अहम भूमिका इसमें निभाता है। इन उद्योगों में कार्यशील पूंजी का अभाव पाया जाता है, जो कि इसके संचालन तथा उत्पादन लागत को प्रभावित करती है। दूसरा, दक्ष श्रमिकों का अभाव। दक्ष श्रमिकों का इसमें अभाव पाया जाता है, ये भी एक इसकी समस्याओं में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हो पाता है। तो इस प्रकार इनकी समस्याएं हैं, दक्ष श्रमिक नहीं मिलने से प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन उद्योगों में प्रशिक्षित श्रमिक अपने सामने नहीं मिलते हैं तो उनके कार्य करने की क्षमता नहीं होती है और उत्पादकता में कमी आ जाती है। विद्युत की समस्या, अगर किसी भी उद्योग में अगर विद्युत नहीं है तो बिजली सप्लाई नहीं है तो आसानी से प्रोडक्शन कार्य बाधित होता है। विद्युत की कटौती से उतार चढ़ाव होने से उत्पादन निरंतर प्रभावित होता है, इनकी उत्पादकता में कमी आती है और उत्पादन लागत। और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे जल की समस्या, कुशल प्रबंध का अभाव, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये अपने उद्योगों की समस्याओं में ये सम्मिलित हैं और इनके समाधान की हम बात करें तो कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि इन उद्योगों से बने माल को निर्यात हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे सोने चांदी के आभूषण, रत्न आभूषण, गलीचे आदि के उद्योग निर्यात हेतु प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तो ये इनकी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव हैं। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि राजस्थान में अनेक लघु उद्योग संचालित हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कुटीर व बड़े उद्योगों की तुलना में न तो कोई रोजगार का समुचित है साधन है, न कोई उत्पादित आय का, अर्थात इन उद्योगों की दशा ठीक नहीं है कि कुछ ही पूंजी के अनुपात या फिर आय व रोजगार नहीं मिल पाता है। राजस्थान सरकार को इन उद्योगों के विकास की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये इसकी निष्कर्ष रूप से है। तो आज हमने इस वीडियो में चर्चा की कि राजस्थान में लघु वह कुटीर उद्योग की कौन कौन सा महत्व है और इनके समाधान हेतु सुझाव, उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो ये तो इसकी इम्पोर्टेंस हो गई, ये इसकी समस्याएं। अब इसके समाधान हेतु सुझाव में पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि कच्चे माल की समस्या तो कच्चे माल की आपूर्ति करें, पुरानी तकनीक नई तकनीक का प्रयोग करें, बिक्री की समस्या बिक्री को बढ़ावा या बिक्री संवर्धन बिक्री को बढ़ावा करें, पूंजी का अभाव पूंजी उपलब्ध करवाएं जिससे उद्योग बढ़ सकें, दक्ष श्रमिक का अभाव कुशल श्रमिक अपने अपॉइंट करने चाहिए या कुशल श्रमिक होने चाहिए जिससे प्रोडक्शन बढ़े, विद्युत की समस्या का समाधान करना चाहिए, जो जल की समस्याएं उत्पन्न होती है उनका समाधान करें, कुशल प्रबंध का अभाव है तो कुशल प्रबंध या दक्ष श्रमिक करें। तो इस प्रकार से हमने आज राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों के बारे में हमने संक्षिप्त में चर्चा की। तो इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। कई बार राजस्थान में लघु कुटीर उद्योग की महत्व समस्याएं पूछ लेते हैं, या फिर पूछते हैं राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग की समस्याएं और समाधान हेतु सुझाव दीजिए, या फिर प्रश्न ये पूछते हैं कि राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग की क्या भूमिका है, क्या उसकी रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से गहनता से अध्ययन करना है और इसको आप एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट करें, जिससे आपको 20 मार्क्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिल सकें। तो इस प्रकार हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ग्रामीण वित्त के बारे में, ग्रामीण वित्त के प्रकार कौन से हैं, ग्रामीण वित्त किसे कहते हैं, ग्रामीण वित्त की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ग्रामीण वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं,
उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, किसान क्रेडिट कार्ड जो किसान साख पत्र है वह क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ग्रामीण वित्त की कौन कौन सी कमियां हैं और उसके सुझाव हेतु सुझाव कौन से हैं, तो वो अपने यूनिट संख्या 5 में जो अगला चैप्टर है उनसे संबंधित 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जिससे आपका राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण यूनिट संख्या 5 अर्थात 1 से 5 तक की यूनिट का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक चैप्टर हमारा बाकी है जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि ग्रामीण वित्त क्या है और ग्रामीण वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।